एक बारी कोई क्वाइन भी हम रब करके देखते हैं, बट क्लास के बॉर्डर्स जो हैं उनमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, चाहे वो नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं ये डिजाइन एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये इसलिए कि नोटिफिकेशन दोस्तों, मेरा नाम हरजोत है और आप देख रहे हैं फॉर लव गैजेट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे Redmi Note 8 Pro के टेम्पर्ड ग्लासेस का रिव्यू। कुल मिला के हमने 5 टेम्पर्ड ग्लासेस खरीदे हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 2 सिमिलर निकले। हमने ये सभी Amazon से परचेज किए हैं, जिनका परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, हमने पहले किया इन्हें अनबॉक्स, उसके बाद कंपेयर किए बेजल्स, ये भी देखा कि इनमें से कर्व्ड एज किसका है, एंड देन वी अप्लाइड देम ऑनटू द फोन। स्क्रैच टेस्ट करने के बाद हमने कंक्लूजन को रीच किया। एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों कि अक्सर हम जब टेम्पर्ड ग्लास की वीडियो डालते हैं तो एक फीडबैक मिलता है कि कॉल आउट ठीक नहीं था, बट देन हमारा पर्सपेक्टिव यही रहता है फ्रेंड्स कि आपको एक जेन्युइन पिक्चर दी जाए कि इन केस आप ये बाय करते हैं तो किस तरीके का ग्लास होगा। यहाँ पे एफिलिएशन नहीं है, तो मेरी तरफ से कुछ ऐसा नहीं कि मुझे शौक है कि आप ये वाला टेम्पर्ड ग्लास खरीदें। इनफैक्ट अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूँ तो यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं है, थिकनेस को लेके, बेजल को लेके। हो सकता है 4 टेम्पर्ड ग्लास अच्छे निकलें, 5वां बेकार बने, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। पर हम जेन्युइनली आपको एक पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं कि उससे आपको हेल्प हो सके, यही हमारा इरादा रहता है। इनफैक्ट आप अगर और एक स्टेप आगे जाना चाहते हैं तो आप Amazon पर रिव्यू देख के ही उसे खरीदिए। क्या वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है, बट डेफिनेटली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिलेगी, जेन्युइन मिलेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि है कोमोरो प्रीमियम टेम्पर्ड ग्लास Redmi Note 8 Pro के लिए 9H हार्डनेस के साथ। फुल ग्लू क्वांटिटी आपको एक मिलेगी, जो हमें कॉस्ट पड़ी वो थी 249 रुपये, और इसका प्राइस अभी जो हमने चेक किया वो 249 ही है। आइए फटाफट से चेक करते हैं कि इंटरनल पैकेजिंग कैसी है, और देखते हैं टेम्पर्ड ग्लास को। ये कुछ एक्चुअल पैकिंग है दोस्तों। हमारा दूसरा टेम्पर्ड ग्लास है JGD Products 6D 11D Premium Black HD Pro Edge-to-Edge Tempered Glass for Redmi Note 8 Pro। Quantity again एक पीस, हमें जो कॉस्टिंग पड़ी थी वो थी 129 रुपये, और अभी इसका प्राइस हमने देखा वो है 149 रुपये। एक वेलकम नोट, एटलीस्ट ये कुछ डिफरेंट है, जो कि एक अच्छी बात है। यह है ADES Redmi Note 8 Pro Tempered Glass, जो कि 9H हार्डनेस के साथ आता है। फुल ग्लू एज टू एज क्वांटिटी आपको एक मिलेगी। हमने जब इसे खरीदा हमें 99 का पड़ा था, अभी इसकी कॉस्ट 259 रुपये है। कुछ इस तरह के बॉक्स में आपको टेम्पर्ड ग्लास मिलेगा। वाइप्स, और ये हमारा टेम्पर्ड ग्लास। इसकी क्वालिटी दोस्तों मुझे अच्छी लग रही है बाकी सबसे। ये टेम्पर्ड ग्लास शॉप बाय शॉप के द्वारा है, इस पे एज सच कोई स्पेसिफिकेशन नहीं लिखी थी विद रिस्पेक्ट टू हार्डनेस। Redmi Note 8 Pro टेम्पर्ड ग्लास क्वांटिटी एक, हमें कॉस्टिंग पड़ी थी 139 की, फिलहाल इसका प्राइस 149 रुपए का चल रहा है। ये है हमारी एक्चुअल पैकेजिंग। ये हमारा 5वां और आखिरी टेम्पर्ड ग्लास है, जो कि है सॉल्यूशन 11D टेम्पर्ड ग्लास कर्व्ड एजेस के साथ, 9H हार्डनेस, फुल ग्लू। क्वांटिटी एक रहेगी, हमें कॉस्टिंग पड़ी थी 129 की, फिलहाल इसका रेट है 149 रुपए। ये रहेगा हमारा एक्चुअल पैकेट। आइए देखते हैं टेम्पर्ड ग्लास को। सो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा फाइनल टेम्पर्ड ग्लास। अनफॉर्चुनेटली ये सिमिलर है हमारे पहले एक टेम्पर्ड ग्लास से, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। सो आइए करते हैं हम फाइनल कंपैरिजन स्टार्ट। जैसे कि हमने देखा कि JGD और सॉल्यूशन टेम्पर्ड ग्लास सेम है, हम इस पीस को अलग रख रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो रहा है। आइए चेक करते हैं कि बॉटम बेजल और लेफ्ट हैंड साइड बेजल की थिकनेस में कोई फर्क है या नहीं। चलिए जूम इन करते हैं। आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको सभी टेम्पर्ड ग्लास के बॉर्डर्स जो हैं उनमें कोई फर्क नहीं दिखेगा, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड का हो या फिर बॉटम का। आइए चलते देखते हैं राइट हैंड साइड के बेजल्स।
अगर मैं राइट हैंड साइड के बेजल्स की बात करूं तो आप देख सकते हैं ये भी थिकनेस के मामले में सेम है, इसमें भी आपको कोई फर्क नहीं दिखेगा। आइए चेक करते हैं कि टॉप कटआउट कैसा है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से टॉप सेक्शन है। वंस अगेन आपको जो थिकनेस है उसमें कोई फर्क नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं ये डिजाइन एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है और ये इसलिए कि नोटिफिकेशन लाइट छुपे ना, जो कि मुझे लगता है कि इसमें सबसे बेहतर दिखने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट लगा मुझे विद रिस्पेक्ट टू कटआउट। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें से कर्व कौन सा है, तो आप देखिएगा कि ये लाइट कैसे ट्रैवल होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इससे। आप देख सकते हैं कि एकदम फ्लैट है इसमें भी, और यहाँ देखिएगा आपको उस तरीके से छवि नहीं बनेगी। आप देख सकते हैं कि ये साइड से कर्व है। आइए एक बार इसे भी देखते हैं, ये भी कर्व नहीं। सो कुल मिला के अगर आप कर्व चाहते हैं एजेस से, तो सबसे ज़्यादा यही आप देख सकते हैं कि लाइट किस तरीके से ट्रैवल हो रही है। तो आई होप आज आपको पता चला होगा कि आप इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी बात पे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलते हैं अब एप्लीकेशन की तरफ। हम अब एक एक करके इन सभी टेम्पर्ड ग्लासेस को अप्लाई करेंगे, देखेंगे कि गम कैसी है, ओवरऑल फिटिंग कैसी आती है, टच रिस्पॉन्स कैसा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम देखेंगे कि हम अगर इन चीज़ों से कुछ स्क्रैचेस डालते हैं तो किस तरीके की स्क्रैच रेजिस्टेंसी आपको मिलती है। जब आप टेम्पर्ड ग्लास लगाएं तो ध्यान रखें कि फ़ोन क्योंकि कैमरा मॉड्यूल के बाहर होने के कारण वॉबल करता है, आप कुछ इस तरीके की शीट यूज़ कर सकते हैं। इन बबल्स को आप ऊपर की साइड रखिएगा, इससे आपका कैमरा मॉड्यूल पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा और जब आप टेम्पर्ड ग्लास लगाएंगे तो फ़ोन वॉबल नहीं करेगा। टेम्पर्ड ग्लास लगाते समय बबल्स ना आए, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि कोई भी डस्ट पार्टिकल आपकी स्क्रीन पे ना हो। सो दोस्तों जनरली सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एक बारी को पूरा ब्लैक बॉर्डर दिखेगा और टेम्पर्ड ग्लास लगाने में आसानी रहती है। सो जनरली मैं जब अप्लाई करता हूँ तो मैं इसी मेथडोलॉजी को फॉलो करता हूँ ताकि मुझे बेजल पता चले ऊपर, लेफ्ट, राइट और बॉटम सब जगह। ये जो चीज़ है, जो ये स्पेसिंग या फिर ये एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं हुई, उसका कारण है कि ये बॉटम से थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता है। हमने कोशिश ये करी कि जो ड्रॉप नॉच है उससे टेम्पर्ड ग्लास नीचे ना जाए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं दिखेंगी। हम साइड्स में अगर देखें कि कितनी जगह छूटती है, तो यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं है एंड इनफैक्ट इस तरफ भी। ये थोड़ा सा आपके एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी है, सो प्रॉब्ली वी कुड हैव शिफ्टेड टू द लेफ्ट अ लिटल मोर, उससे शायद ये ठीक हो जाता। बट नीचे अगर आप आते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा है और जिसके कारण ये चिपका नहीं यहाँ पे। अगर मैं इसे थोड़ा सा और नीचे की तरफ पोजिशन कर दूँ, सो मे बी जो ये नॉच है इससे नीचे आ जाए तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन होंगी वो छुपेंगी। सो उस लिहाज से तो ये टेम्पर्ड ग्लास परफेक्ट नहीं है, ये चीज़ का आपको ध्यान करना पड़ेगा। हो सकता है कि आगे जो हम टेम्पर्ड ग्लासेस लगाएं उनमें भी यही इशू आए। जहाँ तक गम है, गम ठीक है, आपको अच्छी पेस्टिंग मिल जाएगी ओवरऑल, बट हाँ शायद ये थोड़ा सा और लेंदी होता तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। आइए फटाफट से कुछ स्क्रैचेस डाल के देखते हैं कि इस पर डलते हैं नहीं, और फिर इसको कंक्लूड करते हैं। एज सच कोई नॉइज़ नहीं, आप देख सकते हैं फ्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, एकदम स्मूथ एंड बटरी है। एक बारी कोई कॉइन भी हम रब करके देखते हैं। ये सब शार्प आर्टिकल्स हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। आइए इसे वाइप आउट करते हैं एंड देखते हैं कि ये जाते हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि फिलहाल आपको स्ट्रीक्स नज़र नहीं आएंगी। मैं एक बारी फ्लैश ऑन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं। सो ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू स्क्रैचेस इसने अच्छा परफॉर्म किया, आपको एज सच नेकेड आइज के साथ बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एकदम प्लेन है, यहाँ पर आपको थोड़े से सर्कल्स नज़र आएंगे
वो भी ये देखिए, तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा दिखाता है, बट अदरवाइज विदाउट फ्लैश आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू स्क्रैच रेजिस्टेंसी आई थिंक इसने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बट हाँ अगर इसकी फिटिंग थोड़ी अच्छी होती तो शायद हम इसे डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली रेकमेंड करते। चलिए चलते हैं हमारे दूसरे टेम्पर्ड ग्लास की तरफ। सो टेम्पर्ड ग्लास लग चुका है, इस बार आप देख सकते हैं कि बॉटम में एप्लीकेशन अच्छी रही। वही चीज़ दोस्तों कि अगर आपको टेम्पर्ड ग्लास नॉच से नीचे नहीं लाना तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा रहेगा। अगर मैं एजेस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, इनफैक्ट इधर भी आपको मिलेगा। सो ये चीज़ दोनों टेम्पर्ड ग्लासेस में अभी तक सेम है, इनफैक्ट ये और इधर। अगर मैं टॉप सेक्शन की बात करूँ तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा कि आपको नोटिफिकेशन लाइट जो कि नई छिप रही इससे, आइए डालते हैं इस पे कुछ स्क्रैचेस और स्क्रैच टेस्ट से इसको कंक्लूड करते हैं। नो नॉइस, सो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं दिख रहा, लेकिन आप यहाँ आएंगे तो आपको कुछ स्ट्रीक्स दिखेंगी, ये आप देख सकते हैं, और ये विजिबल ज़्यादातर होंगी। मैं एक बार इसे वाइप कर लेता हूँ, और ये ज़्यादा विजिबल होंगी जब आप इस तरीके से लाइट इस पर रिफ्लेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इधर आते ही आपको ये लाइंस दिखेंगी, लेकिन मैं फ्लैश ऑफ करता हूँ तो नहीं। तो ये टेम्पर्ड ग्लास भी बहुत अच्छा है दोस्तों, इट्स जस्ट दैट आपको थोड़ा सा ये सेटिंग को दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, अदरवाइज मेरी तरफ से ये रेकमेंडेड है, गम अच्छी है। सो फाइनली हमारा तीसरा टेम्पर्ड ग्लास भी लग चुका है, और इनफैक्ट ये अभी तक जितने भी हमने ग्लासेस लगाए उनमें सबसे बढ़िया लगा मुझे। सबसे पहली चीज़ कि आपको जो एजेस हैं वो कर्व्ड मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं, और जो मैंने शुरू में भी दिखाया था ये डेफिनेटली कर्व्ड है। बॉटम में जो जगह छूटी है वो और टेम्पर्ड ग्लासेस से कम है जो अभी तक हमने देखे, इनफैक्ट साइड में भी आप देख सकते हैं कि ये बहुत कम है। अगर हम टॉप सेक्शन की बात करें तो जो आपकी नोटिफिकेशन लाइट है वो क्लियरली आपको दिख रही होगी, ये रही, इसकी ग्लू भी अच्छी है। चलिए बढ़ते हैं इसके स्क्रैच टेस्ट की तरफ और स्टार्ट करते हैं स्क्रैच टेस्ट को। कोई आवाज किसी तरह की नहीं, बिल्कुल स्मूथ एज एन स्क्रू मूव कर रहा है। ये मैं टच कर रहा हूं ताकि आपको पता चले कि मैंने आवाज बंद नहीं करी। ये हमारा स्क्रू ड्राइवर, कुछ और चीजें, लास्ट में कॉइन। मैं इसे अब वाइप करूंगा और देखते हैं कि ओवरऑल किस तरीके से आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम एक बारी टॉप से स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे यहां पे आप कोई लाइन नहीं दिखेगी, पर जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो आप देख सकते हैं आपको ये देखिए थोड़ा थोड़ा ये लाइंस दिखेंगी जो दर्शाती हैं कि स्क्रैचेस एज इन बहुत हैवी नहीं पड़े। आई थिंक ये एट पार है बाकी टेम्पर्ड ग्लासेस के साथ एज इन कंपैरिजन में, और आई थिंक उससे अच्छा ही है। इनफैक्ट मुझे लाइंस ढूंढने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे हैं, देर यू गो, बट ओवरऑल आई मस्ट से कि अभी तक जितने टेम्पर्ड ग्लास हमने रिव्यू करे उनमें फ्रेंड्स ये सबसे बढ़िया है। फाइनल टेम्पर्ड ग्लास,
सो फाइनली टेम्पर्ड ग्लास अप्लाई हो चुका है, आइए चेक करते हैं और उन्हीं चीज़ों पे हम बात करेंगे जो हमने बाकी टेम्पर्ड ग्लासेस पे देखी। मैं एक बारी फोकस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि बॉटम में स्क्रीन बहुत ही कम है। आई थिंक ये जो हमारा थर्ड टेम्पर्ड ग्लास था उससे भी कम, इनफैक्ट अभी तक की सबसे कम। आइए चेक करते हैं, साइड में आपको बहुत थोड़ी सी स्क्रीन दिख रही है, आई थिंक ये एट पार है जो अभी हमने टेम्पर्ड ग्लास रिव्यू किए हैं उनके। आइए चलते हैं टॉप पे, आप देख सकते हैं टॉप पे नोटिफिकेशन लाइट जो है वो क्लियरली विजिबल है, ग्लू बहुत अच्छी है दोस्तों। अगर मैं टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से करते हैं इसका स्क्रैच टेस्ट और फाइनली सभी कवर्स के साथ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरफ अभी कोई स्क्रैच के आपको निशान नहीं दिखेंगे, मैं जैसे ही इस पे जो हमारे आर्टिकल्स हैं यूज़ करूँगा आपको डिफरेंस दिखेगा। मैं फटाफट से इन्हें साफ़ कर लेता हूँ, एज इन इसे वाइप करता हूँ और देखते हैं कि ओवरऑल रिजल्ट कैसा है। बॉटम से स्टार्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ लाइंस नहीं दिखेंगी, कोई भी लाइन नहीं दिखेगी, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर की तरफ ट्रैवल करूँगा आप देख सकते हैं जहाँ पे वो लाइंस बनी, लेकिन मैं अगर फ्लैश ऑफ करता हूँ तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रही इस टेम्पर्ड ग्लास की भी, एट पार विद एवरीवन आई थिंक सो फार। जहाँ तक स्क्रैचेस का सवाल है, ये और जो थर्ड टेम्पर्ड ग्लास था मुझे सबसे बढ़िया लगे, ग्लू अच्छी है और ये बहुत ही बेहतरीन टेम्पर्ड ग्लास। आप देख सकते हैं कि नीचे से एकदम प्रॉपरली ये गम का कोई इशू नहीं है जैसे कि पहले टेम्पर्ड ग्लास में था, सो ये एक अच्छा टेम्पर्ड ग्लास है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इससे हेल्प मिलेगी, डेफिनेटली एक फीलर मिलेगा कि आप किस टेम्पर्ड ग्लास की तरफ इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक बार फीडबैक ज़रूर पड़ेगा अमेजोन पे बिफोर यू इन्वेस्ट, नॉट नेसेसरली आपको इसमें से कुछ खरीदना है, बट देन एक व्यू आपको देना था जो हम दे रहे हैं। खैर थोड़ा डिफिकल्ट होता है इस तरीके की वीडियो शूट करना, बट देन आई थिंक दैट्स वाई वी आर हियर, ये पैशन है जो हमें ड्राइव करने में मजबूर करता है और आपका प्यार। हैविंग सेड दैट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ये हमें हमेशा मोटिवेट करता है एंड हेल्प्स अस ग्रो। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फॉर ऑल, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली जवाब दूंगा। थोड़ा इधर उधर होता है टाइम क्योंकि आई एम इनटू अ जॉब एज वेल, सो मैं ये सैटरडे संडेज को ही कर पाता हूँ या फिर बहुत लेट नाइट ही मैं रिप्लाई कर पाता हूँ, बट आपको डेफिनेटली 24 to 48 आवर्स में मेरा रिप्लाई मिलेगा। मेरा नाम हरजोत है, आप देख रहे थे फॉर लव गैजेट्स। जय हिंद, नमस्कार।